हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न सूप, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधे कप स्वीट कॉर्न की प्यूरी बना लेंगे। आधे कप स्वीट कॉर्न में आधा कप पानी डालकर उसे अच्छे से ब्लेंड करें। हमारे बताए गए मेजरमेंट्स के साथ आप स्वीट कॉर्न सूप के 6 सर्विंग्स बना सकते हैं। अब आप एक बड़ी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल ले लें। तेल गरम होने पर इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टेबलस्पून गार्लिक डालें। जिंजर गार्लिक को तेल में 30 सेकंड तक हाई फ्लेम पर सौते करें। जिंजर गार्लिक अच्छे से सौते होने के बाद अब आप इसमें आधा कटोरी फाइनली चॉप्ड गाजर, 1/4 कटोरी फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च और 1/4 कटोरी फाइनली चॉप्ड फ्रेंच बीन्स डालकर अच्छे से सौते करें। हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हमें सब्जियों को सिर्फ 30 सेकंड तक ही भूनना है। अब आप सब्जियों में तकरीबन 3/4 कटोरी बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न डालें। स्वीट कॉर्न को भी सब्जियों के साथ 30 सेकंड के लिए अच्छे से भून लें। अब आप सब्जियों में तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालें। पानी डालने के बाद अब आप इसमें हमारी बनाई हुई स्वीट कॉर्न की प्यूरी डालें। प्यूरी को सबके साथ अच्छे से मिक्स करें। आप सभी इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अब हम सूप में स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और उन्हें भी सूप में अच्छे से मिला लेंगे। आप सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी पर जो फ्रॉथ दिख रहा है वो स्वीट कॉर्न को ब्लेंड करने से बनता है। आप इस फ्रॉथ को एक चम्मच की सहायता से निकाल लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब करें। अब सूप में 3 टेबलस्पून शक्कर डालें और उसे भी सबके साथ अच्छे से मिला लें। हमें इस सूप को पूरा टाइम हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अब सूप में 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डालें। ग्रीन चिली सॉस डालने के बाद सूप में 1 से 2 टेबलस्पून विनेगर भी डाल लें। सॉसेस को भी सबके साथ अच्छे से मिला लें। अब आप एक कटोरी में 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लें। कॉर्नफ्लावर में आधी कटोरी पानी डालकर एक स्लरी बना लें। अब आप उस स्लरी को हमारे सूप में ऐड कर लें। हमें सूप को कॉर्न स्लरी डालने के बाद कम से कम 30 से 40 सेकंड तक पकाना है, जिससे कि कॉर्नफ्लावर का कच्चा टेस्ट ना आए। हमारा सूप बनकर तैयार है। हमने रेस्टोरेंट का एक इंग्रेडिएंट अजीनोमोटो या MSG नहीं डाला है। आप चाहें तो उसे कमर्शियल टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न सूप को गर्मा गर्म सर्व करें। इसी तरह रेस्टोरेंट में बनता है स्वीट कॉर्न सूप। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए द कॉमन मैन किचन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।